राजस्थान में सरपंच चुनाव की सरगर्मियां कुछ तेज हो गई हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है ऐसे ही एक उम्मीदवार रामबाबू शर्मा जांगिड़ का। रामबाबू शर्मा ने वहां के लोगों से उन्हें भारी जीत दिलाने का आह्वान करते हुए उनसे कई रोचक बातें कही हैं। उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा में ये कहा है कि वहां पर पुलिस व्यवस्था को सुचारू करेंगे, वहां पर एयरपोर्ट बनवाएंगे, वहां के नदी नाले सभी का विकास होगा। यही नहीं, वहां पर एक स्टेडियम और खेल मैदान की भी व्यवस्था वे करेंगे। मालाखेड़ा के विकास के लिए आप क्या क्या काम करेंगे? मालाखेड़ा के विकास के लिए जीतते ही मैं तो पहले मालाखेड़ा की सारी गंदगी है ना, ये नाले वाले सफाई करवाऊंगा। अच्छा, उसके बाद में मेरे पास ऊपर से भगवान के घर से आदेश आया कि हवाई अड्डा बनेगा है मुझे उतरने के लिए। अच्छा, प्लेन से डायरेक्ट। अच्छा, हवाई अड्डे का ऑर्डर मेरे पास करीब 5 साल पहले से आ चुका है। अच्छा, लेकिन मैं तो मेरी इंतजार देख रहा था राजनीति में आने की। अच्छा, ये मेरी उम्मीद है गाँव वासियों से और मुझे जिताने की, जल्द से जल्द भारी बहुमत से विजयी बनाए। अच्छा, आपका अपना राम बाबू शर्मा जांगिड़। अच्छा, और कोई घोषणा आपकी जो आप इस गांव के विकास के लिए करना चाहते हैं? सारे नाले बनेंगे दोबारा टूटे हुए। अच्छा, गांव की सारी गंदगी खत्म होगी। अच्छा, खत्म करूंगा। और कोई ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में कोई काम कराने जाएगा एक रुपया नहीं मांगेगा आपसे, फ्री। अच्छा, काम होगा आपका। अच्छा अच्छा, और ऑफिस में जाते ही काम होगा आपको, वहाँ लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और गुंडा कहाँ से बुलवाएंगे ये पता? गुंडा गिर्दी का राज बिल्कुल नहीं चलेगा 1% भी। अच्छा अच्छा, और जो ये मालाखेड़ा में जो पुलिस की जो खराब व्यवस्था बनी हुई है इसका क्या करोगे आप? मालाखेड़ा में जो पुलिस की खराब व्यवस्था बनी हुई है, अलवर जिले में 2 SPO की व्यवस्था करवाएंगे। अच्छा, कम से कम। अच्छा, हो चुके हैं वो तो बैठे हैं, दो आ चुके हैं ना। अच्छा, दो किसी के चार करवा देंगे बोलो। अच्छा अच्छा, ये मालाखेड़ा को जो नई पंचायत समिति बनाई गई है इसके लिए आप भवन कहाँ उपलब्ध करवाओगे पंचायत समिति के लिए, जमीन कहाँ उपलब्ध? तो 2-4-5 महीने तो इसी में काटेंगे अपन, ठीक है ना, सरपंच बनने के बाद में। अच्छा अच्छा, उसके बाद में क्या है मतलब 16 बीघा जमीन है नहीं, जमीन अगर इसकी पंचायत होगी ना कहीं तो उसमें नई पंचायत बनाएंगे। अच्छा, है ना, और उसके बाद में गांव का सारी का विकास करेंगे। और बच्चों को खेलने के लिए कोई पार्क वार्क की बनाने की सोची आपने? नहीं, पूरा विचार है स्टेडियम बनेगा मालाखेड़ा में। अच्छा, तो कोई जगह देख रखी आपने? जगह कंप्लीट है, पहले से ऊपर से सेट है यहाँ। सेट है बिल्कुल, भगवान के घर से आदेश आया मेरे पास। जो आपके विपक्ष में खड़े हैं उनके बारे में आपके क्या कहना है? विपक्ष में तो ये तो राजनीति है, आना ही पड़ता है, क्लियर सीट किसी को नहीं मिलती। अच्छा, सही बात, चक्कर ये है। मैं IAS बनना चाहता था लेकिन वहाँ भी मैं पैसे की वजह से रह गया। अच्छा, एमए पास हूँ मैं, चपड़ासी से लेके मैंने IAS तक के कंपटीशन दिए हैं। अच्छा, और इंटेलिजेंस ब्यूरो को मैंने दिया है, सब जगह मैं पास फिट हूँ। और ये पंचन को क्या करना है? और मुझे इस भ्रष्टाचार की वजह से नौकरी से बिल्कुल हटा दिया गया है। गुप्त चलती है भ्रष्टाचार, गुप्त गुप्त चलता है। हाँ, ऊपर में नहीं चलता है। और वो पंचन को क्या करेंगे? और कोई विचार आपके बालाखेड़ा के विकास के लिए? बस मालाखेड़ा का फुल विकास है मेरे लिए, पूरे पैसे आएंगे, एक नया पैसा ही खाऊंगा। अच्छा, एक सामने जमीन पड़ी है पंचायत के सामने, आप इसमें कुछ विकास कराना चाहोगे? इसमें मैं क्या है मतलब ये जैसे शुद्ध वायु प्रदूषण के लिए इसको खुला रखूंगा। खुला? हाँ, पेड़ पौधे लगवाऊंगा इसमें। अच्छा, चारों में बाउंड्री करवाऊंगा इसकी। अच्छा, ये इसके करवाऊंगा, ठीक है। और ये जो गंदगी है चारों तरफ नाले वाले भरे पड़े हैं, वो तो गांव की सफाई होगी पूरे की। अच्छा, वो तो एक ट्रैक्टर से काम नहीं चल रहा है ना, कम से कम 3-4 ट्रैक्टर लाने पड़ेंगे ना, आदमी बढ़ाने पड़ेंगे सफाई के लिए। हाँ, ट्रैक्टर पुराना हो गया। हाँ, क्या हो गया, एक दो आदमी से क्या होता है पंचायत में। हाँ, सही बात है, आदमी को सफाई के लिए नई चीज लाएंगे। अच्छा, ये इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसे? हाँ, पैसे की कमी शरीर के पास, भगवान अपने आप पैसे दिलाएगा अपने को।